गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हैं आज सुबह के ब्रेकफास्ट में? हलवा चने। हलवा चना आज है। सैटरडे तो ये चने में सीटी आ गई है। चाय इधर उबल रही है, डाल देते हैं इसमें दूध। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट बन रहा है आज हलवा चना, और उसके बाद नाश्ता बनने के बाद हम लोग का अचानक यूं ही प्लान बन गया था लोनावला जाने का, तो हमारी गाड़ी निकल गई है लोनावला जाने के लिए। सो स्टे ट्यून, आज के व्लॉग को आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। एक्चुअली जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, उसके दो दिन बाद का ये व्लॉग है, और हम लोग मतलब थोड़ा आराम था मुझे, तो सैटरडे संडे छुट्टी थी वर्मा जी की, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने प्लान किया कि चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मुझे भी और मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। सो इसीलिए बस हम लोग यहाँ पे निकले हैं। लोनावला जा रही हो ना? गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पीयू जी। गुड मॉर्निंग। और इधर वर्मा जी भी गुड मॉर्निंग है। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे यार वो एक ये जो है खजूर के पेड़ पर है। कैसा लगा? ठीक है, हमको पता था आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। नीरा नीरा अच्छा है, बहुत टेस्टी। अच्छा पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया। लास्ट टाइम जो हम लोग गए थे आपसे पिया था, तो पूछ रहे थे लोग कि नीरा क्या होता है, तो बताइए मिस्टर वर्मा नीरा होता क्या है? नीरा यही होता है जो अभी जो इन्होंने पिया, अभी वही होता है नीरा। नारियल पानी जैसा टेस्ट है इसका। अरे खजूर के जो तने में से निकलता है, इसका जो है ना गुड़ भी बनता है। भाई हमें तो पता नहीं है इसकी क्या हिस्ट्री है, पर ये जो बोल रहे हैं ये शायद ऐसा ही होता होगा। ये पीने को ग्लास रखो बेटा, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है। एक मिनट ग्लास और। तो बस बीच में हम लोग खाते पीते और मस्ती करते हुए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मम्मी फ्रूट्स कट कर रही हैं, एप्पल हो गया, खीरा हो गया, हम लोग चलते समय रख लिए थे, और वही सब हम लोग यहाँ पे अपना खा रहे हैं। लोग प्रवेश कर चुके हैं लोनावला में। नहीं। आ गए हैं हम लोनावला, दी लगून रिसोर्ट। ये है स्टाफ गेट। सो हम लोग आ गए हैं लगुना रिजॉर्ट लोनावला में। ये हो जा रही है मैं एलिफेंट लेके। फिश है, फिश। ये मम्मा ये पकड़ो गिर जाएगा। देख बहुत सारी फिश है यहाँ पे।
हर कलर हिंदी शॉप का लघुना आ गए हैं हम लोग और अभी लंच टाइम है तो सबसे पहले लंच करेंगे। मम्मी पापा वॉशरूम गए हुए हैं। पीहू की मस्ती चालू। ए देखिए पीहू डांस कर रही है। लेफ्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे आते ही हम लोगों ने अपना चेक इन वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर भूख बहुत ज़ोर से लगी थी तो सबसे पहले हम लोगों ने लंच किया। चलिए लंच कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। हमारा लंच हो चुका है, हम चलते हैं अपने रूम पर। तो हम लोगों को जो रूम दिया था वो ठीक था, अच्छा था, बट उससे अच्छा हम लोगों को रूम मिल गया था बाद में। सो उन्होंने अपग्रेड कर दिया था हमारा रूम। तो चलिए मैं आपको अपना नया रूम दिखाती हूँ, नया घर दिखाती हूँ, हमारा नया आशियाना जो लोनावला का है। सो मम्मी पापा की वजह से ही आ गए हम लोग, वरना तो आते नहीं। कोई ऐसा प्लान नहीं था एज सच, लेकिन मम्मी पापा थे तो हम लोगों ने सोचा चलो एक दिन अच्छे से इंजॉय करते हैं, फैमिली टाइम इंजॉय करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ का रूम टूर करा आती हूँ। चलिए बालकनी देखिए, जाइए। वॉशरूम इधर से भी है और ये कनेक्टेड है इधर बेडरूम से। ये वॉश पार्टी रेडी गेट। हम लोग जा रहे हैं पूल में जाने के लिए। पीहू जा रही है अपने नानू के साथ। ये देखिए पीहू। तो हम लोग आ गए थे डिनर वगैरह, सॉरी डिनर कह रही हूँ, लंच करके हम लोग थोड़ी देर फ्रेशन अप वगैरह होके चेंज वगैरह कर लिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पूल पार्टी के लिए। पीहू ने भी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह सब पहन लिया है। चलिए पूल इंजॉय करते हैं। पीहू ने अपनी नानी के साथ बहुत इंजॉय किया पूल में। बच्चों का अलग सेक्शन बना हुआ था तो वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी। तो ठंडा तो था लेकिन धूप थी तो इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर पूल इंजॉय कर लिया। जाओ तुम भी जाओ। तो धूप में बैठ करके पीहू को तो अच्छा लग रहा था, फिर मैं थोड़ा उसको अंदर लेकर के आई तो फिर उसने यहाँ पे थोड़ी देर बस रेलिंग वगैरह पकड़ा। फिर वो बोली नहीं मुझे उधर ही जाना है नन्नू के साइड पे। तो बस फिर मैंने उसको उधर ही बिठा दिया था। फिर ये उधर ही बैठ करके पानी में खेलती रही। अब धूप भी ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। सो हम लोग अब यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। 15-20 मिनट ही हम लोग पूल में थे, ज़्यादा देर नहीं। तो फिर पीहू को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती ना, सर्दी हो जाती। और यहाँ पर देखिए मैं उसके कपड़े लेके नहीं आई थी तो इसने अपने डैडी की टी शर्ट ही डाल
निकाल ली थी क्योंकि टावल वगैरह सब नीचे से ही मिलता है। उसके बाद हम लोग चेंज करके फ्रेशन अप वगैरह होके निकल गए थे शाम को इवनिंग में घूमने के लिए। घूमना मतलब थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह खाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे लोनावला। तो हमने ऑटो किया था जिससे कि हम ऑटो में अच्छे से इंजॉय कर सकें, घूम सकें। गाड़ी की पार्किंग वगैरह देखना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है ना। तो अगर आप कहीं ऐसे शहर जाइए ना तो वहाँ का लोकल ही कन्वेंस यूज़ करिए, उससे बहुत अच्छा रहता है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लोनावला मार्केट। बाहर उतरिए पीयू, चाय नाश्ता करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। हाथ पकड़ लीजिए इसका, अच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह मंगाई और आपको चारों तरफ यहाँ पे चिक्की चिक्की की शॉप ही मिलेगी। और यहाँ पे हम लोग ने ये सेव पूड़ी मंगाई थी, सैंडविच मंगाई थी एंड एक डोसा भी मंगाया था। तो ऐसे मिल बांट के हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया क्योंकि फिर इसके बाद डिनर का भी टाइम हो जाता है इसीलिए। तो पीहू का मन था डोसा खाने का, उसके लिए हम लोगों ने डोसा मंगा दिया था। ठीक था खाना, अच्छा था, बहुत मतलब बहुत वाला टेस्टी नहीं बोलेंगे बट ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ पे मार्केट देखने के लिए। एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे हेयर बैंड्स मिल रहे थे तो मैंने पीहू के लिए बहुत सारे हेयर बैंड्स लिए हैं जो कि मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। और ये पोचू पता है जो मैंने कश्मीर में लिया था ना, ये वही पोचू है और आज पीहू इसको पहन रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है उसके ऊपर। और यहाँ पर ये एक कुमार रिजॉर्ट था जहाँ पर किसी की शादी हो रही है। तो अंदर चल रहा है प्राइवेट शो, सारे झूले वगैरह बंद हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पीहू अपने डैडी के साथ ऊपर चढ़ रही है, ये देखिए मैंने बहुत सारे पीहू के लिए हेयर बैंड्स लिए हैं, वो उनके डैडी के हाथ में हैं। तो ऑटो के लिए हम लोग खड़े हैं, ऑटो आया नहीं है। मिस्टर वर्मा आगे जा रहे हैं ऑटो देखने, काफी ज्यादा ट्रैफिक है इस समय। तो काफ़ी देर बाद हम लोगों को ऑटो मिल गया था, हम लोग वापस जा रहे हैं। आते टाइम तो हम लोग का 100 रुपये में ऑटो हुआ था और जाते टाइम हम लोग का 200 रुपये में ऑटो हुआ था। सो यहाँ पे बारगेनिंग काफ़ी चलती रहती है। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने रिजॉर्ट, चलिए चलते हैं, अब थोड़ी देर बातें वगैरह करेंगे। हर सिंगार की महक है, आ जाओ पीहू इधर आओ। कितना चाहिए और मम्मी आइए। ये है रात का व्यू, सब लाइट्स जल गई हैं। ये है दी लगुना रिजॉर्ट, तो चलिए इसके आगे का व्लॉग कल शेयर करती हूँ। मिलती हूँ कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।